फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मूंग चना बड़ा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और क्रिस्पी भी है, और बरसात के मौसम में इसका खाने का मजा ही अलग है। और आप इसको चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स है। तो चलिए फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है चना और मूंग दाल, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे आराम से इसको भिगो लिया है, या आप कह लीजिए ओवरनाइट मैंने इसको पानी से भिगो लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमें इसको पीसना है ग्राइंडर में डाल के, लेकिन हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं तैयार करना है, थोड़ा दरदरा पीसेंगे हम। और ज़रूरत पड़ने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्पून ही पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी भीगे हुए हैं पानी में, तो हमें इनमें पानी नहीं डालना है। बट 1% आपका अगर ये नहीं ग्राइंडर में चलता है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने, आप देख रहे हैं थोड़ी दरदरी सी ये चना और मूंग दोनों पीस लिए हैं, और ये मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करा है, क्योंकि ये रात भर भिगोई थी तो ऑलरेडी अच्छे से सॉफ्ट और थोड़ी दरदरी पिस चुकी है। तो अच्छा होगा कि अगर इसमें आप पानी ऐड ना करें। तो उसके बाद हमें इसमें डालना है, तो अब हम यहाँ पे 2 चम्मच डाल रहे हैं आटा, नॉर्मल आटा है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमने इसमें 2 चम्मच आटा डाला है, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ी ऑनियन और 1 मिर्ची ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है। और अब हम लेंगे थोड़े से 10 से 12 कड़ी पत्ते, धोकर मैंने कट कर लिए हैं, वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब साथ में जाएगा इसमें 1/2 स्पून जाएगा इसमें छोटी चम्मच, यानी 1/4 स्पून, या बड़ी वाली 1/4 और छोटी वाली 1/2 स्पून, ये मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। और अब डालेंगे हम इसमें 1/4 स्पून हींग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो चना दाल है वो, या चना है तो थोड़ा, कुछ लोगों को गैस बनाती है, तो उसके लिए हम ये ऐड कर देंगे। 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, साथ में हम यहाँ पर डालेंगे ये जीरा है, भुना हुआ जीरा जिसको हमने पीस लिया है, तो ये जीरा पाउडर है। साथ में जाएगा यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर, और अब जाएगा यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, लगभग 1 छोटी चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना है, तो हम हाथ की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हल्का सा हमने हाथ पे लगाया ऑयल, और अब हम थोड़ा सा डो ले लेंगे जो हमने बनाया है मिक्स, और अब हम बनाते हैं बड़ा। तो धीरे से हम इसको प्रेस करेंगे और इसको गोल शेप देते हैं। आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमने बड़ा बना लिया है। तो इसी तरीके से हम जो सारा डो है उसको इस तरीके से लेते जाएंगे, और डो से हम बड़ा बनाते जाएंगे। सारे ही बड़े हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, अच्छा खासा ऑयल गरम है, और एक एक बड़ा हम इसमें डाल देंगे। और गरम ऑयल करने के बाद जब हम बड़े डाल देंगे तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम पर हम अपने बड़े अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पलट देते हैं, और इसको अलट पलट करके हम क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पर सिकने देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बस थोड़ा सा ही हमें और सेकना है, और हम फिर इसको निकाल लेंगे। तो अलट पलट करके हमने क्रिस्पी होने तक तल लिए हैं, और अब हम अपने बड़े निकाल लेते हैं, और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकलने देंगे। तो ये हमारे मूंग चना बड़े तैयार हो गए हैं बनकर, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है रेसिपी, और साथ में टेस्टी भी है और प्रोटीन से भरपूर है। बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही
अच्छी रहेगी। और आप भी सब खाइए, टी टाइम स्नैक्स भी है, कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बनाते हुए ध्यान रखना है कि हमने जब दाल को पीसा था तो हमने उसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा था। हो सके तो आप भी पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिए, वरना ये ज़्यादा पतला हो जाएगा और जो बड़े हैं वो शेप में नहीं आ पाएंगे। और अगर बाई चांस आपका थोड़ा पतला हो भी जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स या फिर जो मैंने आटे की क्वांटिटी या बेसन की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा कर दें तो परफेक्ट आपका बन जाएगा। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।